हेलो दोस्तों, मैं नाम मुकेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक गुरु मुकेश। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू गेट इंडियन रेलवे ऑथराइजेड रेलवे एजेंसी। और दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप IRCTC से एक ऑथराइजेड रेलवे एजेंसी कैसे ले सकते हैं, आप एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर कैसे आप ढूंढ सकते हैं जो आपको एक बेहतरीन सर्विसेज और सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करे। इसका कंप्लीट प्रोसेस जो है मैंने उस वीडियो में बताया था। और दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मैं आपको दे दूँगा, आप वो वीडियो देख सकते हो। दोस्तों, उस वीडियो में जो है मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं। उस कमेंट्स में लोगों के ज़्यादातर दो सवाल हैं। वो दो सवाल कौन कौन से हैं? कुछ लोगों का ये सवाल है कि हम रेलवे की ऑथराइज्ड एजेंसी अगर लेते हैं तो क्या हम इसमें तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं क्या? दूसरा सवाल है कि अगर हमने रेलवे की ऑथराइज्ड एजेंसी ले ली है तो क्या हम इसमें अनलिमिटेड टिकट बुक कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों, इन दोनों का सवाल का जवाब जो है मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। पहला सवाल है कि क्या हम इसमें तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं? जी हां दोस्तों, आप इसमें तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं, बट तत्काल टिकट बुक करने की एक टाइमिंग है। दोस्तों, जो AC की टाइमिंग है वो है 10:15 और जो नॉन AC की टाइमिंग है वो है 11:15 सुबह से आप अपनी बुकिंग स्टार्ट कर सकते हो। और दोस्तों, बात रही सीट की, तो सीट जो है आपको अवेलेबिलिटी में चेक करनी है कि आपको सीट की अवेलेबिलिटी वहाँ पे आपको मिल रही है कि नहीं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली जो है कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि अगर आपने IRCTC की फ्रेंचाइजी ली है तो आप IRCTC की फ्रेंचाइजी को डोंगल के थ्रू लॉग इन करके या फिर OTP के थ्रू लॉग इन करके आप कैसे तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तो इसका A to Z प्रोसेस जो है मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और टेक्नोलॉजिकल वीडियोस को देखते रहने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो है हमें हमारा डोंगल हमारे कंप्यूटर में इंसर्ट कर देनी है। मैंने अभी डोंगल इसमें लगा दिया है। डोंगल को लगा देने के बाद आपको यहाँ से अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र है, मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र जो है यहाँ से ओपन कर लिया है। अब आपको यहाँ पे IRCTC की वेबसाइट जो है डाल देनी है। IRCTC की वेबसाइट डालने के बाद आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। मैंने हर वीडियो में बोला है जब तक ये वेबसाइट प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो जाती है आपको यहाँ पर लॉगिन के लिए ट्राई नहीं करनी है, आपको इसको पूरे तरीके से ओपन हो जाने देना है। दोस्तों, अभी वेबसाइट जो है पूरी तरीके से ओपन हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को हमें यहाँ से इसको ओके करके क्लोज कर देना है। दोस्तों, आप यहाँ पे डेट और टाइम देख सकते हैं, यहाँ पे 23 अगस्त 2021 12:50 अभी हो रहे हैं। दोस्तों, लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे एजेंट लॉगिन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और मेरे पास डोंगल है, हम डोंगल से लॉगिन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे DC लॉगिन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही DC लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने जो है IRCTC की न्यू वेबसाइट जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। और दोस्तों, न्यू वेबसाइट ओपन होने के लिए आपने जो डोंगल लगाया है उस वो डोंगल जो है पासवर्ड एक पिन से जो है प्रोटेक्टेड है। जिस भी सर्विस प्रोवाइडर ने आपको डोंगल दिया है उन्होंने आपको उसका पासवर्ड दिया होगा, उसका पिन दिया होगा, वो पिन आपको यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लेनी है। तो मैं अपना पिन यहाँ पे डाल के इसको लॉगिन कर लेता हूँ। जब तक आप इसमें सही पिन नहीं डालेंगे और इसको लॉगिन नहीं करेंगे जब तक आपके सामने ये IRCTC की एजेंट की वेबसाइट ओपन नहीं होगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे मेरा पिन जो है मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको यहाँ से लॉगिन कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे पिन डाल दिया। अब ये वेबसाइट जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं वेबसाइट ओपन हो रही है, हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे वेबसाइट जो है पूरी तरीके से अब ओपन हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे इसको ओके के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और दोस्तों, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से आपका यूज़र ID, पासवर्ड और यहाँ से कैप्चा फिल करके यहाँ से लॉगिन कर लेनी है। अपने यूज़र ID, पासवर्ड और कैप्चा को फिल कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे साइन इन के ऊपर क्लिक कर देनी है। साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ID यहाँ पे लॉगिन हो जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पे हमारा ट्रेन जो है सर्च कर लेना है। तो मैं जो है ट्रेन सर्च कर रहा हूँ वो है न्यू दिल्ली से लेके और मुरादाबाद। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ डिजिट्स यहाँ पे डाले और यहाँ पे जो है मुरादाबाद यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद हमें यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेनी है। बेसिकली आज आपने यहाँ पे देखा 23 अगस्त 2021 है, तो हम जो है यहाँ पे
आज की भी टिकट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और कल की भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कल का डेट यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्लासेस हैं, क्लासेस जो है यहाँ पे ऑल क्लासेस मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं आपको जो भी क्लास में चाहिए, या फिर आप भी जो है इसको ऑल क्लासेस छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जनरल दिखाई दे रही है, इसको हमें यहाँ पे क्लिक कर लेनी है और यहाँ पे हमें तत्काल के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। तत्काल के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे यहाँ से इसको सर्च कर लेनी है। जैसे आप सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके सामने जो ट्रेन की लिस्ट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेन चूज़ कर लेनी है। मैं भी अपना ट्रेन और अपनी सीट जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। और दोस्तों जिस भी ट्रेन में आपको अवेलेबिलिटी होगी वो यहाँ पे आपको दिखाई देने लग जाएगी। जिस भी ट्रेन में सीट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी वहाँ पे आपको इस तरह से वेटिंग लिस्ट RAC या फिर और अदर जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन शो करेगी। तो फटाफट से मैं अपना जो ट्रेन चूज़ कर लेता हूँ। और आप यहां पे देख सकते हैं मैंने दोस्तों ये वाली ट्रेन यहां पे चूज़ की है, यह सद्भावना स्पेशल, ट्रेन नंबर है 04008। और दोस्तों इसकी जो टाइमिंग है वो 16:30 है, मतलब 4:30 ये जहां से जाएगी वो स्टेशन है आनंद विहार टर्मिनल। और दोस्तों इसकी जो डेट है मैंने 24 तारीख की डेट डाली थी, 24 तारीख को मुझे इसमें अवेलेबिलिटी मिल चुकी है। और दोस्तों ये मुरादाबाद इसकी पहुँचने की जो टाइमिंग है वो 7:32 है, और मुरादाबाद यहाँ पे देख सकते हैं 24 अगस्त को ही ये ट्रेन जो है पहुँच जाएगी मुरादाबाद। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे सेकंड सीटिंग के अंदर अवेलेबिलिटी मिल चुकी है। आप यहाँ पे अवेलेबिलिटी देख सकते हैं, यहाँ पे 60 सीट्स जो है वो अभी अवेलेबल है। और यहाँ पे स्लीपर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 127 सीट्स जो है वो अवेलेबल है। थर्ड AC और आप सेकेंड AC भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे जो है यहाँ पे सेकंड सीटिंग के अंदर मुझे सीट बुक करनी है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे सेकंड सीटिंग के ऊपर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हम, हमारे सामने बुक नाउ का ऑप्शन जो है यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। इसको हमें यहाँ पे बुक के ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे आप बुक के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे हमसे एक कन्फर्मेशन पूछा जाता है, इसको हमें यहाँ से इसको आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे आई एग्री के ऊपर हम क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कन्फर्मेशन हमसे पूछा जा रहा है। जैसे कि हमने जो ट्रेन सर्च की थी वो यहाँ पे वो हमने सर्च की थी नई दिल्ली से लेकर मुरादाबाद की, बट अभी जो हम जिस ट्रेन में बुक कर रहे हैं वो है आनंद विहार से लेकर मुरादाबाद। और हमसे ये पूछ रहा है डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू विथ सेम यस, हमें इसको यहाँ से यस कर देनी है। जैसे आप यस के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का एक और न्यू इंटरफेस जो है आपके सामने आ जाता है, जहां पे आपको यहां देखेंगे तो आपके पूरे ट्रेन की जो डिटेल है आपको यहां पे शो करेगी। और यहां पे जो है आपका फेयर जो है वो यहां पे आपको शो कर रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा फॉर्म है जिसको हमें यहाँ पे फिल कर लेनी है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें पैसेंजर का नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद आपको यहाँ से एज डाल देनी है। एज डाल देने के बाद आपको यहाँ से जेंडर चूज कर लेना है। जेंडर चूज कर लेने के बाद आपको यहाँ से जो बर्थ का प्रेफरेंसेस है वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। बेसिकली ये सेकेंड सीटिंग है तो सेकेंड सीटिंग में कोई बर्थ प्रेफरेंसेस नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे नो प्रेफरेंसेस लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप स्लीपर या AC में टिकट बुक करेंगे तो आपको वहाँ पे तीन ऑप्शन शो होंगे, लोअर, मिडल और अपर। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है चूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्म में जो भी आप डिटेल डालेंगे वो डिटेल बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, एज़ पर आपके आधार कार्ड के हिसाब से डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि TT जो है कोई इशू क्रिएट ना करे जब भी आपके पैसेंजर जो है ट्रैवल करे। इसके बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। दोस्तों स्क्रॉल करके जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पे डाल देना है। कस्टमर का मोबाइल नंबर डालने के बाद वहाँ यहाँ पे जो है कस्टमर का आपको एड्रेस डाल देना है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल करके और नीचे की तरफ आ जानी है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ देखेंगे आप अदर प्रेफरेंसेस। दोस्तों यहाँ पे एक ये ब्लैंक बॉक्स है और ब्लैंक बॉक्स के आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कंसाइडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। तो दोस्तों जैसे कि मैं अभी ये जो टिकट बुक कर रहा हूँ ये सेकंड सीटिंग में बुक कर रहा हूँ, अगर हम इस ब्लैंक बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे तो जो हमारा टिकट है, जब भी रेलवे की चार्ट जो है प्रिपेयर होती है तो चार्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि हमारा जो हमने जो टिकट बुक किया है वो सेकंड सीटिंग में बुक की है, लेकिन जब वो चार्ट अपडेट होती है, चार्ट जब बनती है
तो हो सकता है कि हमारा जो टिकट अपडेट होके स्लीपर में आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि ये थर्ड एसी में भी चली जाए। तो दोस्तों अमाउंट हमें उतना ही पे करना है, लेकिन जो हमारा टिकट जो है वो अपडेट हो जाता है अगर हम इसके ऊपर टिक कर देते हैं। तो उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे एक और ब्लैंक बॉक्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर अलॉटेड। तो दोस्तों जब भी हम तत्काल टिकट बुक करते हैं तो आप चाहे तो इसको टिक कर सकते हैं। बेसिकली जब भी आप टिकट बुक करेंगे तो जो भी टिकट अगर कन्फर्म होगी तो ही आपको यहाँ पे सीट मिलेगी, और अगर सीट अवेलेबल नहीं होगी तो आपको यहाँ पे टिकट नहीं मिलेगी, आपकी जो टिकट है वो बुक होगी ही नहीं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से जो है अपना रिजर्वेशन टाइप भी चूज कर सकते हैं, और आप जो है आप पर्टिकुलर किसी कोच का नाम भी डाल के यहाँ पे आप टिकट को बुक कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें से जो है मैं सिर्फ ये वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे इंश्योरेंस का पेज आ जाता है। तो बेसिकली दोस्तों इंश्योरेंस के अंदर मुश्किल से ये 50 पैसे के आसपास में अमाउंट लगता है कोई भी अगर आप टिकट बुक कर लो। मैक्सिमम अगर ज़्यादा ज़्यादा जाएगा तो 1 रुपये जाएगा, उससे ज़्यादा इसमें नहीं जाती है। तो दोस्तों हमें ये ले लेना बहुत ही अच्छा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसमें यस के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट मोड पे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भारत QR, पे ऑन डिलीवरी, अदर जो है ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे देते हैं। नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है पे भीम UPI। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको ये कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये बाय डिफॉल्ट जिस पे टिक रहेगा उसी पे आपको इसको टिक रहने देना है। अगर आप भीम UPI पे अगर ट्राई करोगे, जैसे आप इसको कंटिन्यू करोगे आपकी जो लॉगिन है वापस ये यहाँ पे लॉग आउट हो जाएगी, और यहाँ पे आपकी टिकट बुकिंग नहीं होगी। आपको बाय डिफॉल्ट इसको यहाँ पे रहने देना है, और उसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू कर देनी है। और दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं आपके सामने कुछ डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। आपको अच्छी तरीके से इस डिटेल्स को जो है यहाँ पे चेक कर लेनी है, जैसे कि आपका ट्रेन का डिटेल्स, उसके बाद आपको यहाँ पे पैसेंजर का डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो फेयर चार्जेस जो आपको लग रहे हैं वो आपको यहाँ से चेक कर लेनी है। ये सब चेक कर लेने के बाद आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे की तरफ आ जाना है, और यहाँ पे जो है आपको एक और कैप्चा जो है आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। कैप्चा आपको जो है बिल्कुल सही से फिल करनी है। कैप्चा फिल कर देने के बाद आपको यहाँ से फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, अब आपके सामने यहाँ पे पेमेंट का जो मेथड्स है वो अब यहाँ पे आ जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं पेमेंट्स मेथड्स। बेसिकली दोस्तों जब भी आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से रेलवे की फ्रेंचाइजी लेते हैं और वो लोग जो है आपको RDS का एक वॉलेट बना के देते हैं, और उस वॉलेट के थ्रू आपको यहाँ पे पेमेंट करनी होती है। और दोस्तों उसकी पेमेंट हम यहाँ पे कैसे करेंगे, उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे RDS URL के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जिस भी कंपनी से आपने IRCTC की फ्रेंचाइजी ली है उसका आपको यहाँ पे नेम दिखाई दे जाएगा, और उसका आपको यहाँ पे लोगो भी दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इस लोगो के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देनी है। और दोस्तों इसी के साथ साथ आप यहाँ पे राइट साइड में आपने जो भी ट्रेन की डिटेल्स, पैसेंजर की डिटेल्स, या फिर जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला है और जो भी अमाउंट है एक बार अच्छे तरीके से आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे इसको पे एंड बुक के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे रीडायरेक्ट होते हैं आपके यहाँ से आपको यूज़र रेल ID और यूज़र रेल पासवर्ड जो है आपसे पूछी जाती है, और उसके बाद आपको यहाँ पे नाउ के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो यूज़र ID और पासवर्ड जो यहाँ पे डलती है कि वॉलेट की यूज़र ID और पासवर्ड होती है, ना कि आपने जो IRCTC की यूज़र ID और पासवर्ड डाली है वो वाली। जिस भी सर्विस प्रोवाइडर से आपने ID ली है उन्होंने आपको आपके वॉलेट का यूज़र ID पासवर्ड दिया होगा, आपको वो वॉलेट का यूज़र ID और पासवर्ड यहाँ पे डाल के आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे मेरी यूज़र ID और मैंने अपना पासवर्ड जो है यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद मैं पे नाउ के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा ये वेबसाइट जो है रिफ्रेश होगी और मेरी जो टिकट है वो बुक हो जाएगी। ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया, वेबसाइट रिफ्रेश हुई। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे थैंक यू का हमारे पास मैसेज भी आ चुका है, और नीचे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली बुकेड अ टिकट। अब दोस्तों ये हमारी जो ट्रेन की जो डिटेल्स है ये हमारी यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे हमारा ये बारकोड है। बारकोड के साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पैसेंजर की जो डिटेल है जो आपने दी हुई थी वो है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो बुकिंग स्टेटस है कन्फर्म, कोच का नंबर दिया हुआ है, या आप यहाँ देखेंगे तो बर्थ नंबर यहाँ पे दी हुई है। और इसी को थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे जो कितना अमाउंट आपको लगा है टिकट बुकिंग का
आपको पूरा डिटेल्स के साथ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। अब दोस्तों यहाँ पे टिकट तो हमारी बुक हो चुकी है, कई लोग अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टिकट तो हमारी बुक हो गई बट इसका प्रिंट आउट हम कहाँ से लेंगे। तो दोस्तों प्रिंट आउट लेने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे आपका PNR नंबर दिखाई दे रहा है, इसी के साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंटर का एक आइकन जो है आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो जस्ट आपको यहाँ पे इस प्रिंटर के आइकन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रिंटर के आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपका जो टिकट है वो यहाँ पे आपको सामने दिखाई देने लग जाएगी। अब इसको स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये प्रिंट का ऑप्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। और दोस्तों आप चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हैं या फिर आप इसको सेव करके रख सकते हैं। सेव एज PDF करने के बाद यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे। फाइल नेम डाल देता हूँ इसमें मेरा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसको यहाँ से सेव कर लिया है। तो दोस्तों आप लोगों के जो सवाल थे, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको उन सभी के जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिल चुकी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे मैं इसी तरीके को और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।